नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति के अंदर एक दिलचस्प बदलाव की। आमतौर पर बेटा बेटी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में तीन ऐसे युवा नेता हैं जो अपने पिता के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर कर आए हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर गढ़चिरौली के अहरिल विधानसभा सीट के ऊपर एनसीपी नेता आतरम धर्मतराव का दबदबा रहा है और 2019 में सीट से जीतकर आतरम विधानसभा भी पहुंचे थे, लेकिन 2023 के एनसीपी में बगावत हुई है और आतरम ने अजीत पवार का साथ पकड़ लिया। अब वो शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं और आतरम की बगावत के जवाब में शरद पवार ने आतरम की बेटी भाग्यश्री को अपने पाले में खींच लिया। 31 वर्षीय भाग्यश्री अब अपने पिता के खिलाफ शरद पवार गुट से अहरी सीट से चुनाव लड़ती नजर आ रही। पुणे से स्नातक भाग्यश्री अब अपने पिता के सियासी चुनौती देने का मन बना चुकी हैं और देखते हैं ये मुकाबला आखिर कितना दिलचस्प होता। अब आगे आपको बताएंगे झारखंड से, जहां पर झारखंड के टूडी विधानसभा क्षेत्र में मथुरा महाते को लंबे समय से उनका दबदबा बना रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मथुरा महतो 2019 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और पार्टी में उनका एक विशेष स्थान भी है, लेकिन इस बार उनके अपने बेटे दिनेश महतो ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर उन्हें चुनौती देने का मन बना लिया। दिनेश भी ये चाहते थे कि उन्हें टूंडी से जेएम का टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि टूंडी में पिता पुत्र की राजनीतिक लड़ाई आखिर कौन जीतता हुआ नजर आता। तो वहीं पर बात झारखंड के झरिया विधानसभा की करें तो यहाँ पर कोयले की खदानों और मजदूरों का बहुल क्षेत्र ये माना जाता है और यहाँ पर रुस्तम अंसारी एक जाना माना नाम। रुस्तम अंसारी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जेकेएलएम के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहा, लेकिन इस बार उनके बेटे सद्दाम हुसैन ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया है और रुस्तम और सद्दाम के बीच ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा, जनता के लिए एक नया रोचक अनुभव भी साबित हो सकता। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव का दौर तो फिलहाल शुरू हो ही चुका है और महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें जबकि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें आती हैं और दोनों राज्यों के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन की बीच काफ़ी कड़ी टक्कर। झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार है तो वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार बनी हुई है। ये तीनों मामले भारतीय राजनीति के अंदर एक नई सोच का परिचय है और एक युवा नेता अपने पिता की राजनीतिक विरासत को चुनौती देकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए। ये बदलाव सिर्फ उन परिवारों के लिए नहीं है बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में एक नई दिशा लाने वाला बदलाव हो सकता है। तो यही कहानी थी कि उन युवा नेताओं की जो आप तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। अपने पिता के खिलाफ चुनावी मैदान में ये युवा उतरे हुए। ये चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि ये मुकाबला भारतीय राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर इस लड़ाई में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, इस अपडेट के लिए भी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही।